समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट दैट विच डिड नॉट हैपन। हम लोग एक्चुअली में ना, तुम मैं जो कोई भी हो, हम सब एक ही टाइम पर दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है द वर्ल्ड ऑफ आर वर्ड्स, जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है द वर्ल्ड ऑफ आर थॉट्स, जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं कि हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और दूसरे से पहले की जो जर्नी होती है ना, असल में बंदा वही परेशान होता है। बहुत बार हम अपने माइंड में एजम्पशंस बना लेते हैं, सिनेरियोस क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप का एक करेक्टर डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हम वैसा प्ले करेंगे या मैं वैसा बोलूँगा, और रियलिटी में वैसा हो नहीं पाता। जावेद अख्तर जी इसी थॉट को एक्सप्रेस करते हुए अपनी नज़म लिखते हैं दुश्वारी, मतलब कि कठिनाई। बहुत ही छोटी नज़म है मगर बहुत ही असरदार नज़म है ये। वो लिखते हैं कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, अब यही मुनासिब है। मुनासिब माने अप्रोप्रिएट, कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है। मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहां तो दिल का ये आलम है कमबख्त, भुला ना पाया वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त, रब्त माने रिश्ता, कि वो एक रब्त, वो एक रिश्ता जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है।